आए दिन शिक्षा संस्था चालक विद्यार्थियों के अभिभावक से फीस के नाम पर ज्यादा वसूली कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों में बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। मनमानी तरीके से हो रही इस लूट को तत्काल रोका जाए, ऐसी मांग पेरेंट्स ने की है। इस संसार में हर पालक अपने बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए, इसलिए अच्छे स्कूल में बच्चों की एडमिशन करते हैं। अभिभावकों को यह लगता है कि अपना बच्चा अच्छा पढ़ेगा लिखेगा तो उसका भविष्य अच्छा होगा, ये सोचना भी अभिभावकों का सही है। आज शहर भर में कई ऐसे मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलें हैं, जो विद्यार्थियों के अभिभावकों से फीस के नाम पर ज्यादा की उगाही कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों में संस्था चालक के खिलाफ काफी रोष व्याप्त है। संस्था चालक विद्यार्थियों को शिक्षा का ज्ञान कम और लूटमार करना, अभिभावकों से फीस के नाम पर ज्यादा की उगाही करना, यही एकमात्र उनका धंधा बन चुका है। संस्था चालक पर अंकुश लगाना चाहिए और उगाही का काम बंद होना चाहिए, ऐसी मांग इंडीसीएन के समक्ष शहर के अभिभावकों ने की है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्शकों नमस्कार, इंडीसीएन की टीम आज ऐसे शहर के दो शख्सियत के सामने में खड़ी है जो शिक्षा का दायरा क्या होना चाहिए और शिक्षा आए दिन किस प्रकार की होते हुए दिखाई दे रही है, और जो पेरेंट्स लोग हैं क्या उनका सही मायने में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या नहीं, या उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं। आइए तमाम बातें करना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में दो ऐसे शख्सियत है, एक जैन साहब है, उनसे जानना चाहेंगे। अभिषेक साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आज जो शिक्षा का दायरा एक अलग ही मुकाम पे पहुंच चुका है, मगर ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो बच्चों के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद बीसीएन का कि आपने हमारे बारे में थोड़ी सी चिंता की और आज हमें यहाँ आने का मौका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक स्कूल पेरेंट हूँ, मेरे दो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल का नाम लेना इसलिए जरूरी नहीं समझता क्योंकि सारे प्राइवेट स्कूल आज की डेट में एक जैसी लाइन में, एक जैसी कतार में निजीकरण की खड़े हुए हैं, जबकि एक्चुअल में नो प्रॉफिट नो लॉस ये बार सारे स्कूल हमें बताते हैं हर साल, लेकिन हमने कभी इन विषयों पे इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसके पहले कोरोना महामारी जैसी कोई महामारी हमारे देश में या इस विश्व में आई नहीं थी। आज जब कोरोना महामारी हमारे देश में या हमारे विश्व में बहुत बुरी तरह अपने पैर पसार चुकी है, सारे लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हैं, व्यापार हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसी कतार में जहां हमारे प्राइवेट स्कूल्स, सीबीएसई बोर्ड्स जो हमारे नागपुर शहर में हैं, जब इन्होंने स्कूल चालू करने की एक योजना बनाई कि इस साल हम किस तरीके से, क्योंकि फिजिकल क्लासेस तो लगनी नहीं थी, तो इन्होंने जब एक योजना बनाई कि हम किस तरीके से इस बार स्कूल्स चलाएंगे, और पेरेंट्स जब सारे अपने अपने स्कूल्स जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं वहां जब पहुंचे तो उन्होंने प्रिंसिपल से बात करी। उन्होंने कहा कि मैडम इस साल हमारे बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे, आप पढ़ा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी तो कोरोना का बहुत पीक टाइम चल रहा है, कोरोना बहुत बुरी तरह फैला हुआ है, तो हमारे बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि फिजिकल क्लास तो लगनी नहीं थी। तो वहां पे टीचर्स ने कहा, या प्रिंसिपल मैम जहां पे हमारे साथ थी, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि हम इस बार ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो मैंने बोला मैडम उसके लिए हमने कोई प्लानिंग की है, आपने हमसे कोई डिस्कशन तो किया नहीं है। नहीं, बोले ये हमने डिसीजन ले लिया है, जबकि डिसीजन लेने का अधिकार सर जो है किसी भी प्रिंसिपल या किसी भी मैनेजमेंट को नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को जब सीबीएसई बोर्ड जो मान्यता देता है, दिल्ली में जहां हेड ऑफिस है वहां से जो मान्यता या जो जीआर निकाला जाता है, जिसमें पेरेंट्स को लेके जो पेरेंट्स को जो अधिकार दिए हुए हैं, उसमें साफ कहा हुआ है कि किसी भी ऐसे बड़े विषय पे डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पीटीए, जो कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का जिसका फुल फॉर्म है, इनको ही, इनके साथ बैठकर ही, पेरेंट्स के साथ बैठकर टीचर जो है डिस्कशन करके ही इस टाइप के विषय पे, बड़े विषय इन पे आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा किसी भी स्कूल ने किया नहीं, और उसका सबसे बड़ा कारण सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि आज की डेट में जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, इनकी मोनोपोली चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, कि ये लोग अपने तरीके से सारे जो भी विषय होते हैं स्कूल के, जिनका अधिकार इनके पास सुरक्षित भी नहीं है, इनको पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में की बॉडी में बैठ के इनको सारी बातें करनी चाहिए और वहां से डिसीजन निकलना चाहिए, जो कि आज तक के मैक्सिमम पेरेंट्स को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि ये पीटीए होता क्या है। अब सर मेरा आखिरी का सवाल आपसे ये भी है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि ये जो प्रबंधन है जी, ये प्रबंधक जो लोग होते हैं या स्कूल के संस्था चालक जो होते हैं, वो कोई भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मान नहीं रहे, ऐसा आपका मानना है, तो इनके ऊपर में लगाम कैसे लगाया जा सकता है? सर, इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए एक्चुअली हम तो कोई अलग से इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करने की बात नहीं करते,
हम तो ये कहते हैं कि सर जो लॉ इसके लिए बना हुआ है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो बना हुआ है सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसी कानून के दायरे में रह के अगर सारे स्कूल चले तो हमें, मुझे लगता है कि वो सारे कानून अच्छे बने हुए हैं, हमें उसमें पेरेंट्स में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोविड के टाइम समस्या ये है सर कि डायरेक्ट एक थोपा हुआ जैसा लगान होता था, उस तरीके की आज स्कूल फीस बन गई है और इस तरीके से जो है पेरेंट्स से आज फीस वसूली जा रही है और वो नहीं चाहते हुए भी उनके बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने की नाकाम कोशिश की जा रही है सिर्फ और सिर्फ फीस वसूलने के लिए और कुछ नहीं। तो अभिषेक जैन इन्होंने ये बताया है कि कोरोना कार्यकाल में जिस तरह से जो एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है वो बहुत ही बड़ा हुआ है, जिसके चलते अभिभावक काफ़ी परेशान है, ऐसा उनका मानना है। ब्रुजेन रंडलिया साहब हमारे साथ में, उनसे जाना चाहिए। ब्रुजेन साहब आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर अच्छा कामकाज करते हो, आपका क्या अनुभव रहा? जी सबसे पहले तो BCN न्यूज़ को धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। स्कूल में जो आज की तारीख में जो हो रहा है, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि सभी स्कूल चैरिटी में रजिस्टर्ड है फिर भी इन लोग प्रॉफिटिंग कर रहे हैं, तो चैरिटी से हटा के इनको फिर इंडस्ट्री में डाल दीजिए आप। कोरोना काल में भी अगर आप कोई रियायत नहीं दे पा रहे, जो इतने साल से आपने पैसे स्टूडेंट से लिए हो पेरेंट्स से, कुछ रियायत देना चाहिए था। और कायदा भी बना हुआ है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी स्कूल मैनेजमेंट के साथ हैंड इन ग्लव्स है, जिसके वजह से स्कूल मैनेजमेंट का हौसला बुलंद है और बहुत कॉन्फिडेंट है इन लोग। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे, ये नागपुर में नहीं ऑल ओवर इंडिया में यही हाल है, जिसपे गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो आप थे ब्रुजेन जी और आप थे अभिषेक जैन, जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालते हुए ये कहा कि शिक्षा का दायरा अच्छा होना चाहिए, शिक्षा के नाम पे जो एक लूट जो हो रही है उसकी कहीं ना कहीं रोकथाम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मगर अब ये समय आ गया है कि पढ़ने लिखने के लिए अभिभावक अपने बच्चों को तो जरूर स्कूल कॉलेज में, प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, ऐसे कई स्कूलों में दाखिला देते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे। इसकी मुख्य वजह यह है कि अभिभावक के जेब का पैसा अब पूरी तरह से स्कूल प्रबंधक की जेब में जा रहा है, जिसके चलते खर्चे बहुत ज़्यादा है और बच्चे को पढ़ाना लिखाना उनसे अब संभव नहीं हो रहा। इसलिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या राज्य के शिक्षा मंत्री हो, इस ओर ध्यान दे और जिस प्रकार से ये जो एक्सप्लॉयटेशन जो चल रहा है या शिक्षा संचालक जो कामकाज कर रहे हैं उनके ऊपर में अंकुश लगाना ये समय की मांग है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मिरे, NBC न्यूज़ नागपुर।